राज्यसभा की 55 रिक्त सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव कराए जाने हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि यह 12 से 13 सीटें अपने नाम कर लेगी। जी हां, आपने सही सुना, अगर बीजेपी इन सीटों को जीत लेती है तो ऊपरी सदन में इसकी संख्या 94 से 95 हो जाएगी। अगला चुनाव नवम्बर में होगा जब बीजेपी को यूपी में सीटें आने की उम्मीद है। हालांकि तब भी बीजेपी के लिए ऊपरी सदन में बहुमत की स्थिति में आना संभव नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू, बीजेडी और आरजेडी को भी दो दो सीटें मिलने की उम्मीद है। टीएमसी को 8 सीटें मिलती दिख रही है जबकि वाईएसआरसीपी और टीआरएस के खाते में क्रमशः 4 और 1 सीट जाती दिख रही है। 2022 में भी बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि उस साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीटों पर चुनाव होगा जबकि बीजेपी इन तीनों ही राज्य में सत्ता में नहीं है। इन तीनों राज्य से बीजेपी के पास 21 सांसद है जिसकी संख्या 2020 में आधी हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 13 मार्च है। मतदान 26 मार्च की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे जिसके बाद शाम 5 बजे मतगणना होगी। इन 55 सीटों में से 7 महाराष्ट्र, 4 उड़ीसा, 5 तमिलनाडु, 5 पश्चिम बंगाल, 4 आंध्र प्रदेश, 2 तेलंगाना, 3 असम, 5 बिहार, 2 छत्तीसगढ़, 4 गुजरात, 2 हरियाणा, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 झारखंड, 3 मध्य प्रदेश, 1 मणिपुर, 3 राजस्थान और 1 मेघालय से है। SPN9 न्यूज़ से पुष्पा की रिपोर्ट।